ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि जज का फैसला गलत है। ओवैसी ने कहा कि एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते। ये स्टेटमेंट उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के संबंध में दिया। ओवैसी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अरे सुनिए ना, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने, सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते, और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है, आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन करार दिया। इस अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग या एक अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता है। बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्षों की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अंदर सर्वे का काम पूरा कराया जाए। वाराणसी की लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के प्रमाण हैं या नहीं, इसके लिए वीडियोग्राफी की इजाजत भी दे दी और 17 मई को कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यानी जल्द ज्ञानवापी मस्जिद का संपूर्ण सच दुनिया के सामने होगा। पर ओवैसी ने इस फैसले के खिलाफ तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगर कहूंगा कि पीएम के घर या ऑफिस के नीचे मस्जिद है, तब आप क्या मेरी बात मान लेंगे और खुदाई करवाएंगे? 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जो भी थी होगी, उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई, कहाँ रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं, कहाँ रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहूँ सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, बताऊंगा आपको मस्जिद है नहीं, खाने खा जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मेरे को आप? ओवैसी ने जज के फैसले को गलत करार दिया है और कहा है कि देश आस्था से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को इन लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि 1991 का अधिनियम साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है, अगर अदालतें उन्हें दोषी पाती हैं तो उन्हें 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। कुल मिलाकर अब इस मामले को लेकर अब बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।